Welcome back to my YouTube channel. I am your girl Sanvi and today we will be doing cooking. So we will be making roti pizza. And before moving on to the video, please give me a thumbs up, subscribe my channel and hit the bell icon for the latest notifications and give your suggestions in the comment section. So without any further delay, let's move on to the video. Roti pizza banane ke liye maine liya ek roti. Ab hum us pe lagayenge mayonnaise. तो हमारी मेयोनीज लग गई है। अब हम लगाएंगे शेजवान सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो शेजवान सॉस हमने लगा दी। अब हम इस पर लगाएंगे वेजीज। वैसे तो आप अपने कोई भी फेवरेट वेजीज ऐड कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ कैप्सिकम एंड अनियन ही ऐड कर रही हूँ। आप कैरेट, क्यूकम्बर, टमेटोस, कोई भी वेजी ऐड कर सकते हैं। वेजीज हमने ऐड कर दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। वैसे तो मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद है, पर अभी जैसे मैंने मेयोनीज लगाई है तो मैं एकदम थोड़ी चीज़ ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैं वन स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ। पर अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक स्लाइस चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डाला है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये मैंने घर पे बनाए हैं, ड्राइड रेड चिलीज को क्रश करके। एंड चिली फ्लेक्स के बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑरिगेनो, या फिर आप मिक्स्ड हर्ब या इटालियन हर्ब, पिज़्ज़ा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो के बाद हम इस पर डालेंगे केचप। अगर आपने पहले ही शेजवान सॉस की जगह केचप यूज़ की है तो आप अभी इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा रेडी है। अब मैं इसको कुक करूँगी। सो कुक करने के लिए मैंने इसे रखा है तवे पर, और अब हम इसे कोई भी हीट प्रूफ थिंग्स से कवर करके कुक करेंगे। सो पिज़्ज़ा को कुक करने के टाइम पे हम फ्लेम को एकदम लो पर रखेंगे, और इसे हम कुक करेंगे तब तक जब तक चीज़ परफेक्टली मेल्ट ना हो जाए। तो इसको कुक करने में हार्डली 1 और 1.5 मिनट लगता है, और अभी कुक हो गया है, पर मैंने इसे अभी भी ढक्कन देके रखा है, और इससे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि हीट से ही जो है हमारा पिज़्ज़ा अंदर और कुक होता रहे और चीज़ परफेक्टली मेल्ट हो जाए। तो हमारा यम्मी एंड टेस्टी रोटी पिज़्ज़ा बिल्कुल कुछ ही देर में रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। बाय बाय गाइज़।